गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर योर एल्गा क्लास. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर वर्क बुक पेज नंबर 92, वर्कशीट नंबर 10 ऑफ यूनिट 4. ओके स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ब्रांड फॉर द ऑप्शंस गिवन. स्टूडेंट्स रेडी with your pencil and with your worksheet number 10. Here you can see some pictures. You have to fill the blank with the correct word from the options. Students, आप पहले भी ये सब कर चुके हैं. यहाँ there are two options. You have to choose one option, okay, for the correct word. यहाँ से आपने एक option choose करना है correct word के लिए. Okay students, तो ये आप अपने आप फिल करेंगे. फ्र एंड ड्र ब्लैंड, या तो यहाँ फ्र ब्लैंड आएगा या यहाँ ड्र ब्लैंड आएगा. दिस इज फ्र फ्राई, ओके. दिस इज ड्र ड्रैगन. नाउ फिल दिस वर्कशीट योरसेल्फ. स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट, नाउ टेक आउट योर रीडर बुक पेज नंबर 80, एसआर नंबर 12. स्टूडेंट्स देखो हमने यहाँ ये वर्ड्स रीड किए थे, फ्राई फ्रूट फ्राइडे फ्रॉग, एंड ड्र ब्लैंड साउंड इज ड्रैगन ड्रो ड्रिंक ड्रेस. ओके नाउ रीड दिस, रीड इट विद मी. फ्रैंक लाइक्स टू ड्रो. ही ड्रॉज अ फ्रॉग. He draws a frog, a green green frog. He draws a fruit. He draws a frog. He also draws things. That his friends like. So students, read it again in front of your parents. Okay. All right, students. Now we are going to read some new words. Okay. Some new words are decide. Okay. Repeat it again. Decide. Next sentence. Now what is the sentence of the word decide? Tia and Priya decide to go to Colombo. Decide मतलब decide करना, किसी चीज़ को decide करते हैं ना आप, निश्चय करना. Okay, अगर हमने कोई काम करना है तो हम उसे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. कहीं जाना है तो डिसाइड करेंगे कि हमने यहाँ जाना है. ओके, टिया एंड प्रिया डिसाइड टू गो टू कोलंबो. नाउ फिल इन द ब्लैंक. डिड यू डिसाइड व्हाट टू ईट. क्या आपने डिसाइड किया कि आपने क्या खाना है. ओके, तो डिसाइड का मीनिंग समझ आ गया सबको. नाउ नेक्स्ट वर्ड is reach. The sentence is they reach Sri Lanka and people welcome them. Reach का meaning होता है पहुँचना. Okay, they reach Sri Lanka. वे Sri Lanka पहुँचे and people means लोग. लोगों ने उनका स्वागत किया. Now fill in the blank. Now I know how to reach school. अब मैं जानता हूँ कि मुझे स्कूल कैसे पहुँचना है. Next word is ready. Ready means तैयार रहना. Okay. Sentence is they are ready to get into water. They are ready to get into water. Philip, I am to go on a holiday. I am ready.
मैं तैयार हूँ टू गो ऑन अ हॉलीडे. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हैपन. हैपन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है? हैपन मीन्स होने वाला है. ओके, आप क्या सोचते हैं नेक्स्ट क्या होगा? ओके, आई विल नॉट लेट एनी थिंग डैश टू यू. आई विल नॉट लेट एनी थिंग हैपन टू यू. आई विल नॉट लेट एनी थिंग हैपन टू यू. ओके ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम न्यू वर्ड्स. यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड फिलअप्स इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन वर्कशीट नंबर 10, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, रीड द स्टोरी बिलो एंड ड्रॉ कंक्लूजन. स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को अच्छे से देखिए. ओके, नाउ रीड द सेंटेंस. सुकी इज फ्रॉम जापान. शी केम टू माय हाउस लास्ट ईयर. We write letters to each other now. Students, now I will ask one question. Question is, what is happening in this picture? What is happening in this picture? ध्यान से देखिए, what is happening in this picture? इस picture में क्या हो रहा है? तो क्या लिखेंगे इसका answer? इस picture में क्या है? Suki is from Japan. Okay? What is answer? Suki is from Japan. Students, first of all, write this question in your notebook. What is happening in this picture? Okay? और फिर answer क्या लिखेंगे आप? Suki is from Japan. Now, second picture में देखिए. Question is, do you know what Suki wears? क्या आपको पता है Suki ने क्या पहना हुआ है? She wears a kimono. She wears a kimono. Now, open worksheet number 11. Do you know what she eats? Do you know means, क्या आपको पता है what she eats? वह क्या खाती है? Answer is, she likes to eat sushi. She likes to eat sushi. Now the question is, do you know she can do magic? क्या आपको पता है वो जादू कर सकती है? She can join broken cups. She says people call it kintsugi in Japan. तो ये पिक्चर किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है कौन सी कंट्री से? जापान से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड दिस स्टोरी. ओके, एंड डू ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोटबुक. नाउ स्टूडेंट्स, इन ग्रामर आई विल टीच यू व्हाट इज अ कॉमन नाउन एंड व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन तो आप सबको पता है ना क्या होता है. Noun is a name of a person, place, thing or a animal. किसी भी place के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी person के नेम को क्या कहते हैं? Noun कहते हैं. लेकिन ये noun जो हैं वो भी हमारे two types के होते हैं. ओके, एक होता है common noun and other is proper noun. ओके students, now draw this table in your notebook. ओके, ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक. इस टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, द फर्स्ट सेंटेंस, द गंगा इज अ वेरी लॉन्ग रिवर. यू विल फाइंड आउट द नाउन्स इन ईच सेंटेंस. पहले आपको क्या करना है, इन सब सेंटेंसेस में नाउन को देखेंगे. नाउन कौन कौन से हैं? गंगा एक नाउन है, ये किसी चीज़ का नेम है तो ये एक नाउन है. रिवर भी किसी चीज़ का नाम है तो ये भी एक नाउन है. रोहन एक पर्सन का नेम है, नाउन है. अमेरिका एक कंट्री का नाम है तो ये भी नाउन है. और सिटी एंड पुणे ये सब क्या है? नाउन है. पहले आप नाउन में अंडरलाइन करेंगे.
थिंक इफ दैट नाउन इज अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन. अब इस नाउन में आप देखेंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है. ओके, देन राइट दैट वर्ड अंडर द राइट कॉलम. तब आपको इसे एक राइट कॉलम में लिखना है. अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने किस पर अंडरलाइन किया है, गंगा. गंगा क्या है, एक रिवर का नेम है. अब देखिए रिवर तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी रिवर होती हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया. लेकिन जब एग्जैक्ट एक रिवर का नाम बताया हुआ है, ओके, जब एक रिवर का नेम बताया हुआ है तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया. लाइक दिस, ये देखिए कॉमन क्या है, रिवर. रिवर बहुत सारी होती हैं लेकिन उसका प्रॉपर नेम क्या है, गंगा उसका प्रॉपर नेम है. जैसे आप एक बॉय हो, ठीक है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है. लेकिन बॉय बहुत सारे होते हैं ना, तो वो कॉमन नाउन है. लेकिन जब हम एक बॉय का नाम बता देंगे, ठीक है, जैसे हमने बता दिया अभिनव या आदित्य, वो एक बॉय का नेम हो गया ना, प्रॉपर नेम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा. ओके, अब नेक्स्ट देखिए रोहन. रोहन क्या है, एक बॉय का नेम है. ओके, एक बॉय का नेम है रोहन. तो रोहन क्या है हमारा, फिर रोहन हमारा प्रॉपर नाउन आएगा. ओके, रोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है. अमेरिका, अमेरिका भी एक नाम दिया हुआ है, तो ये भी प्रॉपर नाउन ही होगा. अब सिटी, सिटी तो बहुत सारी होती हैं, तो ये क्या आएगा, कॉमन नाउन. ओके, पुणे, पुणे एक सिटी का नेम दिया हुआ है, तो ये है प्रॉपर नाउन. जब एक हमें स्पेसिफिक नेम दिया होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है. ओके, अब बॉय, गर्ल या सिटी, कंट्री, ये सब बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन नाउन है. अंडरस्टैंड, तो ऐसे ही आपको करेक्ट कॉलम में इनके आंसर्स लिखने हैं. Why are some words starting with capital letters while others are beginning with small letters? अब देखिए capital letter में क्यों start करते हैं हम, हमारा जो first letter होता है उसको हम capital letter में ही start करते हैं. okay? और बाकी के जो words होते हैं उन्हें हम किस में करते हैं, small letter में. But अगर किसी भी noun है, कोई भी noun है, वो चाहे हमारा बीच में भी, sentence के बीच में भी आ रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, गंगा देखिए एक noun है, किसी चीज़ का name है, तो उसे हम क्या करेंगे, capital letter में ही लिखेंगे, चाहे वो बीच में ही हो. ओके, ऑल द nouns दैट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर्स आर प्रॉपर noun. ठीक है, प्रॉपर noun talk about a particular person, animal, place or thing, that is where they begin with a capital letter. Okay? अब ये sentence देखिए, I live in a big city. अब I first letter जो है वो capital में लिखेंगे हम. Okay? This I is also written in capital letter. When we talk about ourselves in a sentence, we use the capital I. जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल में ही लिखेंगे उस लेटर को. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये, हम धीरे धीरे फिर से रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ये कॉलम ड्रॉ करेंगे, फिर उस कॉलम के नीचे आप ये सेंटेंसेस लिखेंगे. ओके, फिर इस सेंटेंसेस में से आप कॉमन नाउन वाले कॉलम में कॉमन नाउन लिखेंगे और प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में प्रॉपर नाउन लिखेंगे. अंडरस्टैंड, आप ये वर्क अपना कंप्लीट करिए अपनी नोटबुक में. नाउ स्टूडेंट्स ओपन वर्कशीट नंबर 13. वर्कशीट नंबर 13 ओपन करिए. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द पिक्चर मोस्टली अबाउट, और अपने आप कोई एक सेंटेंस लिखेंगे आप कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है. कोई भी सेंटेंस लिखिए, अच्छे से देखिए, आप सब देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है, और ये सेंटेंस आप इस कॉलम में लिखकर मुझे सेंड करेंगे. अंडरस्टैंड, थैंक यू.